दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक नए प्लांट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सीखेंगे कि ये कौन सा प्लांट है, इसका क्या हमारे जीवन में यूज है। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने एक नेचुरल फूड चेन दिखाई थी आप लोगों को, कि किस तरह से फूड चेन में कौन प्रे है, कौन प्रेडेटर है, वो आप लोगों ने देखा। काफ़ी लोगों ने देखा इसको, काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी उसको लाइक किया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नए प्लांट के विषय में जो है इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे वीडियो में नए जुड़ रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, और बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि उसकी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें इस प्लांट की कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। मेडिसिन के रूप में हम लोग तरह तरह से इसका यूज करते हैं, अपने घर में भी यूज करते हैं, मसाले के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो आइए हम इस प्लांट को सीखते हैं और देखते भी हैं। इसे हल्दी बोला जाता है सामान्य भाषा में, जिसको इंग्लिश में टर्मेरिक कहा जाता है, और टर्मेरिक जो है इंग्लिश में इसको बोला जाता है, और इसको हम लोग अपने किचन में स्पाइसेस के रूप में, मसाले के रूप में यूज करते हैं। दोस्तों देखिए, ये हल्दी के पौधे, हल्दी के प्लांट हैं। तो इनमें रूट्स भी दिखाई दे रही है, स्टेम भी है, और अंडरग्राउंड स्टेम इनमें पाए जाते हैं जो हम लोग यूज करते हैं मसालों के रूप में या स्पाइसेस में, और ये फ्लावर्स हैं ये पाए जाते हैं। इनका जो प्लांट है वो देख लीजिए कि बांस की जैसे पत्तियां होती हैं या केला की जैसी पत्तियां होती हैं, उस टाइप की ये इसकी संरचना होती है, और इसको कुरकुमा लांगा बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लांगा, और इस ये एक फैमिली होती है जिंजीबेरेसी। जिंजीबेरेसी में जिसमें जिंजर आती है हमारी अदरक, तो उसी फैमिली का ये मेम्बर है। अंग्रेजी में इसको इंग्लिश में टर्मेरिक बोला जाता है, संस्कृत में इसको हरिद्रा, पीतिका, गौरी, दीर्घरागा, निशा, पीता, कई नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसको आप जानते हैं हल्दी कहा जाता है, और बाकी जो अपने देश की कई लैंग्वेजेज हैं जैसे गुजराती है हल्दर, मराठी में हलद कहा जाता है, बंगाली में हलुद कहा जाता है, पंजाबी में हरदल कहा जाता है, तेलुगु में पुषुप कहा जाता है, द्राविड़ी में मंजल कहा जाता है, या कन्नड़ भाषा में इसको अर्थीन या अर्थीना बोला जाता है, अरबी में उरु कुसुफ, या फारसी में जर्द चोप कहा जाता है। तो ये डिफरेंट नामों से इसको विश्व में जाना जाता है। दोस्तों इसका जो मेन परिचय ये है कि रसोई घर में प्रयोग होने वाले मसालों में हल्दी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कोई भी मांगलिक कार्य बिना हल्दी के पूरा नहीं होता। सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में हो रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम पर, और होता रहा है। हल्दी की कई प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं, जिनमें से एक होती है कुरकुमा लांगा, जिसका प्रयोग हम लोग मसालों में करते हैं अपने घरों में। दूसरी इसकी प्रजाति होती है कुरकुमा एरोमेटिका, तो इसको आमा हल्दी बोलते हैं। अब इसको आमा हल्दी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं, इनके पत्ते जो होते हैं उनमें जैसे कपूर में मिला करके पत्तियों में अगर उसको इसमें लिया जाए तो आम की तरह की गंध हल्की सी आती है, इस वजह से इसको आमा हल्दी बोला जाता है। मैंगो जिंजर भी बोला जाता है। उसके बाद एक स्पीसीज होती है कुरकुमा जिडोरिया, ये बंगाल में ज़्यादा पाई जाती है, और इसको जंगली हल्दी भी बोलते हैं। इसका काम रंगने में किया जाता है, कलर करने में किसी चीज़ को करते हैं। एक हल्दी की स्पीसीज होती है बर्बेरिस एरिस्टेटा, इसको दारू हरिद्रा के नाम से जाना जाता है, और ये नेत्रों के जो विकार होते हैं आँखों के लिए, ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसका अगर एक्सटर्नल हम देखें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 2-3 फुट के जो है ज़्यादा इनके प्लांट होते हैं 2-3 फुट के। दोस्तों ये देखो, इसमें ये ओरिजिनल पौधा है जो मिट्टी में लगा हुआ है। इसमें लीफ कैसे निकल रही हैं, ये लीफ्स हैं, और लीफ्स बगल बगल से ही निकल रही हैं। ये इस तरह से इनका निकलने का तरीका है। ये अब स्टेम जो है ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ये पत्तियां जा रही,
पत्तियों के ये जो पाए जा रहे हैं ये पत्तियों के नीचे के पार्ट हैं, पत्ती के ही पार्ट हैं जो नीचे से जा रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं। इसका मतलब इसका स्टेम नीचे की तरफ पाया जा रहा है, इसका अंडरग्राउंड पाया जाता है स्टेम, और अंदर फूल जाता है और फूल करके हल्दी के रूप में बनाता है। ये इसकी मेन पत्ती है, स्टार्टिंग में निकलती हैं ये इस तरह से क्वाइल्ड होकर के निकलती हैं, लेकिन ये फूलने के बाद इस तरह की पत्ती हो जाती है। इसमें वेंस का आप देखिए पीछे से, तो वेंस का निकलने का तरीका इस तरह से है। इसमें ये मिडरिप जा रही है बीचों बीच से होकर के, और इसमें इस तरीके से पैरेलल वेंस निकल रही हैं। ये देखिए इसके जो ओरिजिनल स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, जो हम लोग मार्केट में ख़रीद करके लाते हैं, और इस तरह से जैसे अदरक के टाइप की, इससे रेशे के रेशे निकले रहते हैं, और इसके अंदर का भाग जो होता है थोड़ा हल्का सा पीला या रेडिश कलर से होता है, येलो कलर का, और इसको जो है सुखा लिया जाता है उबाल करके। इनको स्टेम बोला जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम है, कंद बोलते हैं, और इसको उबाल कर सुखा लिया जाता है, और सुखाने के बाद इसी हल्दी को हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। सुखाने के बाद ये हल्दी आप देख रहे हैं इस तरह की हो जाती है। हम लोग जब उसी कंद को जो हरे होते हैं बिल्कुल ताजे, तो उनको सुखा लेते हैं उबाल करके, तो इसका कलर इस टाइप से मिक्स होकर के आता है, और इसी का प्रयोग हम लोग मसालों में करते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वो लंबी नज़र आ रही थी, और ये गोल आकार की हैं, ये इसकी दूसरी वेराइटी है। तो आइए इसके हम लोग औषधीय गुणों का अध्ययन करते हैं थोड़ा। दोस्तों इसका औषधीय महत्व अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे शरीर के विभिन्न रोगों में काम में आती है, उसको रोगों को हटाने में प्रयोग की जाती है। जैसे स्त्रियों में अस्तन रोग हो जाते हैं, स्वर भेद हो जाता है, खांसी आती है, जुखाम आता है, पायरिया होती है, उदर शूल है, पेट में दर्द वगैरह होता है, या डायरिया वगैरह हो जाती है, या लिकोरिया वगैरह होती है, कफ से संबंधित है, या दर्द कहीं पर बना हुआ है, गले में दर्द, जुकाम है, जकड़ा है, तो उस समय दर्द होता है, तो उस समय भी हम लोग दूध में उबाल कर उसका जो है सेवन करते हैं। और गठिया रोग में भी कुछ मात्रा में इसका यूज किया जाता है। चर्म रोग हो सकते हैं, हमारे जो स्किन डिजीजेज होती हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। कभी कभी इसका यूज बुखार में भी करते हैं हम लोग जो है, फीवर वगैरह में, और बहुत पुराना से पुराना बुखार होता है तो उसमें भी हम लोग जो है ये इसका यूज करते हैं। लेकिन अब इसका कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में नहीं करना चाहिए इसका यूज, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारे बताते हैं, और उनसे समय पर, सही समय पर जो है अगर जानकारी प्राप्त कर ली जाए तो हमारे लिए ये वरदान साबित हो सकती है। और जनरली हम लोग जो है टर्मेरिक क्रीम वगैरह जो आप लोग देखे होंगे कि तरह तरह की जो है प्रसाधनों में क्रीम वगैरह लगाई जाती हैं, जो हम लोग यूज करते हैं जनरल घरों में, फेस क्रीम वगैरह जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो टर्मेरिक की आती हैं, और ये इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने एक नए पौधे की जानकारी प्राप्त की, उसके रूट्स के विषय में और उसके अंडरग्राउंड स्टेम यानी राइजोम के विषय में आप ने जानकारी प्राप्त की, उसकी लीफ कैसे निकल रही हैं, लीफ कहाँ से निकल रही हैं, इसके बांस की पत्तियाँ जैसे होती हैं, केला जैसी, केला की पत्तियाँ या बांस की पत्तियों जैसी इसकी पत्तियाँ आपने स्टडी की, इसका वेनेशन आपको मैंने दिखाया, और फ्लावर्स के विषय में भी आपने देखा कि इसके हल्के से येलोविश कलर या रेडिश कलर के फ्लावर्स पाए जाते हैं, और फ्लावर का जो पेडसिल होता है काफ़ी लंबा होता है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी जानकारी इसमें प्राप्त हुई होगी, और इसके औषधीय गुणों यानी मेडिसिनल वैल्यू के विषय में भी आपको जानकारी प्राप्त हुई है। कहते हैं कि हम लोगों के घर में कोई चीज़ें रहती हैं और हम लोग जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो इसकी जानकारी प्राप्त करना हमारा एक कर्तव्य है, और हमारे ऋषि मुनि या पहले से आयुर्वेदिक जो भी लोग जानकार थे इन चीज़ों का व्यापक यूज करते थे। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि बहुत से लोगों को जिनको जानकारी नहीं है इस पौधे के विषय में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके और इसका व्यापक यूज भी वो लोग कर सके।
और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक भी करें, ताकि हम जो है अगर कोई आगे कोई फ्यूचर में वीडियो डालते हैं जीव जंतुओं से संबंधित या प्लांट से संबंधित, तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स।